आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुलिस लाइन में पदस्थ एक महिला आरक्षक से फेसबुक में दोस्ती करके शातिर युवक ने अपने घर ले जाकर जबरदस्ती की। इसके बाद वो काफी समय तक शादी का झांसा देते हुए महिला आरक्षक का शारीरिक शोषण करता रहा, जिससे तंग आकर महिला आरक्षक ने आरोपी के खिलाफ महिला थाने में FIR दर्ज कराई है। महिला थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय महिला आरक्षक वर्तमान में पुलिस लाइन जबलपुर में पदस्थ है। वर्ष 2018 में उसकी फेसबुक के माध्यम से सुहागी निवासी देवी सिंह बागरी से दोस्ती हुई थी। महिला आरक्षक अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आई थी, तब देवी उसे स्टेशन से घर तक छोड़ने गया था। इसके बाद लगातार दोनों कई दिनों तक मोबाइल पर बातचीत करते रहे। इसी दौरान देवी सिंह ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया और जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। इसके बाद वो कई बार महिला आरक्षक के किराए के मकान में जाता और उसके साथ जबरदस्ती रेप करता था। पीड़ित महिला आरक्षक को शादी का झांसा देकर अब तक वो शारीरिक शोषण कर रहा था। कुछ समय पहले महिला आरक्षक की शादी कहीं और तय हुई थी तो आरोपी देवी ने शादी तोड़वा दी थी। महिला आरक्षक ने उससे संबंध तोड़ने का प्रयास किया तो आरोपी देवी उसके किराए के घर में पहुंच गई और हंगामा किया, जिसके बाद महिला आरक्षक ने उसके खिलाफ महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जिला जबलपुर के महिला थाना में एक FIR कायम करवाई गई है एक महिला आरक्षक के द्वारा 18376 की। उसकी दोस्ती फेसबुक से एक व्यक्ति के साथ हुई और उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित हुए, तो उसके लिखित रिपोर्ट पर से मामला कायम किया गया। सर कहाँ का है ये व्यक्ति, कुछ अभी तक पता है? ये यहीं का पास का ही है, जबलपुर का ही है। अभी फरार है, गिरफ्तारी हो गई है। अभी फरार है।